हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके का जेनरेटिव फिल इफेक्ट, जिसमें कि हम अपनी वीडियो में से किसी भी स्टिल या मूवी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को रिमूव करेंगे, जैसे कि आप फोटोशॉप पे रिमूव करते हैं, उसी तरीके से हम वीडियो में भी रिमूव करेंगे, जो कि हम करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाना है, देन इसके बाद अपनी उस क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है जिस क्लिप पे आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जिसकी मेरे पास एक क्लिप है, मैं इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इन दोनों कैरेक्टर को मैं इस वीडियो से रिमूव करना चाहता हूँ। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो को सेलेक्ट करके पहले मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसका बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट दिखा सकूँ। कंट्रोल डी शॉर्टकट प्रेस करके आप इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। नीचे वाले लेयर को ऑफ कर रहा हूँ, ऊपर वाली को सिलेक्ट करके हम पेन टूल लेकर एक मास्क क्रिएट करेंगे इन कह रहा हूँ। ध्यान रहे कि आपको शेडो भी कवर करना है ताकि बाद में ये आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ओके, कुछ इस तरीके का मास्क यहाँ क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद आप एरो पे क्लिक करके देखेंगे मास्क वाले ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ मास्क पाथ का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस मास्क को एनिमेट करना है जिस भी हिसाब से कैरेक्टर मूव होगा, क्योंकि अगर इसे आप एनिमेट नहीं करेंगे तो कुछ इंटरवल के बाद कैरेक्टर मास्क से बाहर निकल जाएगा और आपका ये इफेक्ट सही से क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए आपको मास्क पाथ के स्टॉप वॉच आइकन पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाना है, जिसके लिए आप कंट्रोल और राइट एरो या लेफ्ट एरो की प्रेस कर सकते हैं जिस पे डायरेक्शन में आप आगे जाना चाहते हैं। ओके, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करते हैं तो ये 10 फ्रेम्स आगे जाता है, और अगर सिंगल प्रेस करते बिना शिफ्ट प्रेस किए तो ये 1 फ्रेम आगे जाता है। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपको अपनी पूरी क्लिप के साथ करना है, जितने भी देर की आप क्लिप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 5 सेकंड क्लिप रख रहा हूँ, बाकी क्लिप को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं इसी तरह से पूरे मास्क को एनिमेट कर ले रहा हूँ कैरेक्टर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मास्क को एनिमेट कर दिया, सारे की फ्रेम्स यहाँ पे ऐड करते हैं कैरेक्टर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग और उसकी शेडो के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद आपको मास्क वाले ऑप्शन में यहाँ जो आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। तो आपका मास्क वाला एरिया आपको सिर्फ ब्लैक में दिखाई देगा, बाकी आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको एज इट इज दिखाई देगा। देन इसके बाद आपको साइड पैनल में यहाँ कंटेंट अवेयर फिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल ना हो तो आपको विंडोज वाले ऑप्शन में आके यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद अल्फा एक्सपेंशन को आप 3 से 5 के बीच में रख सकते हैं, या फिर चाहे तो इसे जैसा है वैसा छोड़ सकते हैं। इसके बाद फिल मेथड में आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, रेंज में आपको वर्क एरिया सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको जनरेट के लेयर पे क्लिक करना है। देन इसके बाद ये कुछ देर एनालाइज करेगा आपकी फ्रेम्स को, आपकी वीडियो को, उसके बाद आपको एक रेफरेंस फ्रेम क्रिएट करके दे देगा पूरे इंटायर वीडियो में, जो कि आपके बैकग्राउंड से सिमिलर रहेगी। तो चलिए इसे कंप्लीट होने देते हैं। एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और इसके बाद यहाँ पर रेंडरिंग हो रही है वर्क 49 फ्रेम्स की। ओके, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। तो ये है आपकी कंप्लीट वीडियो, आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरी तवा रिमूव हो चुका है, आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स, लव यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, मां का लगा दे, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।